Hey guys, welcome back to my YouTube channel and how are you all? I hope you guys are doing great. Like I was not okay before, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई. बस मेरा हो रहा था बहुत ही भयंकर कफ, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई. एंड अभी मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ. इतना ज़्यादा मेडिसिन ले रही हूँ फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब इतना ख़राब से कफ हुआ है. बट अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ मेडिसिन वगैरह लेने के बाद, एंटीबायोटिक वगैरह ले रही हूँ. एंड यस, वेदर चेंज होने की वजह से बहुत लोग बीमार वगैरह हो रहा है, तो आप लोग भी अच्छा से रहिएगा क्योंकि अभी वेदर चेंज होने की वजह से बहुत बीमार वगैरह हो सकता है. तो यस, आज है संडे एंड आज नहीं है मेरा क्लास. सो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है बिकॉज आज मैं बनाने वाली हूँ फर्स्ट टाइम चिकन करी, बट वेज चिकन करी. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वेज चिकन करी क्या है. चिकन तो नॉन वेज होता है, लेकिन वेज चिकन करी क्या है? तो आप लोग वीडियो एंड तक देख रहिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ एंड देखते हैं कि कैसा होता है. तो लेट्स गो, अभी जाके हम लोग वेज चिकन को लेके आते हैं. एंड गाइज, यस, मैंने अपना हेयर को कलर कर लिया है, यू कैन सी. मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. ये मैंने खुद किया है. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग टू डू इन डिफरेंट वे, पता नहीं ये ऐसा हो गया. इससे ख़राब मतलब हो रहा था, यहाँ से भी निकल रहा था, यहाँ से भी निकल रहा था, बट मैंने ये अपना हेयर खुद काट दिया. तो अभी हम लोग जाते हैं वेज चिकन को लेने के लिए. वो गाइस, मैं अभी जाने वाली थी बाहर लेने के लिए, लेकिन अचानक से मौसम इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, डर भी लग रहा है, और मैं यहाँ पर सो गई. मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मौसम इतना ज़्यादा, रात भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रहा था गुवाहाटी में, एंड देन अभी भी पूरा काला काला हो चुका है. यू कैन सी पूरा बाहर अंधेरा हो चुका है. मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश आने वाला है. तब उससे पहले मैं जाके लेके आती हूँ. बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाला है बाहर पे. इतना ज़्यादा बारिश पूरा भीग गई हूँ मैं. मैंने ये सब लाया. यहाँ पे सब्जी का इतना ज़्यादा प्राइस ही है, तो ये ही लिया 10 रुपीज़. इतना थोड़ा सा ये हम लोग का वहाँ में बहुत ज़्यादा मिल जाता. और कुछ कुछ लाया मैंने, बारिश की वजह से अच्छा से शॉपिंग ही नहीं कर पाई. ये मैं पता नहीं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ. ये इसका पत्ता ऐसा टाइप का है, पालेंग बोलते हैं इसको, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. एंड हाँ, मैंने वेज जो चिकन बोला था, ये है वेज चिकन. तो आज बनाने वाली हूँ मैं ये, देखते हैं कैसा होता है. ये पता नहीं फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ. इसको फ्राई करते हैं, शायद भाजी करके खाते हैं आलू के साथ. एंड ये है कटहल, कटहल की सब्जी बनाने वाली हूँ आज, वेज चिकन, चिकन स्टेजा. आप लोग देखते रहिएगा. एंड ये है फर्न, जो कि 10 रुपीज में इतना कम. तो इतना ही था आज का, लेट्स कुक. तो मैंने इसको काट दिया है छोटा छोटा करके, और इसको काटने में जो मेरा हालत ख़राब हुआ, तो मैंने ऐसा छोटा पीस में काट दिया है. अभी इसको बॉईल करूँगी. मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा बॉईल करूँगी इसको. इसका जो क्या बोल रहे हैं, गम वगैरह इतना ज़्यादा था यहाँ में. अभी थोड़ा इसको बॉईल करके पानी फेंक के उसको बनाती हूँ. ये अभी बॉइल हो चुका है, इसको फिर से अभी बनाना पड़ेगा. बनाते बनाते करंट भी चला गया है अभी. जिंजर गार्लिक चिली एंड गरम मसाला दे दूंगी.
तो मेरा यहाँ पे कटहल का सब्जी हो चुका है। सो दिस इज माई लंच फॉर टुडे। ये है कटहल का सब्जी, चिकन जैसा लग रहा है, एंड ये दाल लेमन, और ये लेमन का अचार। एंड यस, अभी टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है इसलिए पूरा अंधेरा हो गया, इग्नोर इट। एंड दिस इज माय लंच फॉर टुडे। लेट्स ट्राई दिस वन फर्स्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा चिकन जैसा लग रहा है। नॉट बैड, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, पूरा चिकन जैसा लग रहा है। तो मैं अपना लंच कर लेती हूँ एंड देन आई विल सी यू, बाय बाय। लंच वगैरह हो चुका है एंड अभी बाहर भी नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा है। तो फिर देखते क्या होता है। कटहल का करी था वो इतना टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा ही हुआ, बेस्ट। ये मेरा हालत इतना ख़राब कि ये इतना बड़ा बड़ा दवाई लेने के लिए लेना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा है अभी तो। अभी तक मेरा कफ वगैरह ठीक ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया है, बट पहले से तो अभी बहुत अच्छा हुआ। सेम ब्लॉग बट नेक्स्ट डे। मैं अभी आई थी क्लास करने के लिए, क्लास हुआ ही नहीं इतना, तो अभी मैं जा रही हूँ आयतू के घर क्योंकि वो नया नया रूम शिफ्ट किया है। और यू कैन सी हालत ही ख़राब हो चुका है, तो नया नया रूम शिफ्ट किया है तो उसका रूम में जा रही हूँ मैं अब आती, क्योंकि क्लास नहीं हुआ आज, बहुत ज़्यादा सा बारिश हो गया था, बहुत गुवाहाटी में बारिश ही बारिश हो रहा है आजकल। अभी हम जा रहे हैं आयतू के यहाँ पे। चिकन ले रही है अभी हम लोगों ने, सब ले लिया, पोर्क चिकन एंड भुज जलोकिया एंड ऑल। इतना दूर है गाइस, वॉकिंग कर करके हालत ही खराब हो गया, भूख भी लग रहा है ज्यादा। हम लोग चल चल के जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा ही है। और हम लोग मिलनपुर में है अभी। ये शिव मंदिर है, यहाँ पे हम लोग आए थे, कब आए थे हम लोग, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन पूजा करने के लिए। बारिश हुआ था तुम लोग इधर? हाँ, हम लोग यहाँ में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था इसलिए रास्ता बहुत ख़राब हो गया, इसलिए क्लास भी नहीं हुआ आज। तो इसी बहाने आयतू का नया नया रूम है, वहाँ पे जाके हम लोग कुछ खाएंगे। गुवाहाटी, गुवाहाटी का रास्ता। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ आयतू के रूम। हम लोगों ने ऑलरेडी मिमी वगैरह खा लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, तो बनाते टाइम में कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग बनाएंगे चिकन, पोर्क चिकन बनाएगा एला और मैं बनाऊंगी पोर्क, एंड देन हम लोग लंच करेंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी धो लिया, मतलब एला ने धोया है, मिर्चा इतना लेंगे। आज पोर्क विद बेम्बू शूट बनाने वाली हो, और हम लोग का यहाँ पे बेम्बू शूट ऐसा मिलता है गुवाहाटी में, और ये अच्छा भी नहीं है टेस्ट इसका। डिफू का जो अलग अलग जगह का वो जो होता है लोकल वाला वो अच्छा है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं है, इसका स्मेल भी अच्छा नहीं। फिर भी इससे बनाने वाली हूँ पोर्क विद बेम्बू शूट। यहाँ बन रहा है पोर्क और यहाँ बन रहा है चिकन, यम्मी यम्मी, वाह। बहुत ही टेस्टी होने वाला है क्योंकि दोनों दोनों शेफ ने बनाया। पोर्क इज ऑलमोस्ट डन, चिकन भी हो गया। लोग अभी लंच कर रहे हैं, पोर्क विद बेम्बू शूट चिकन एला का स्टाइल। यहाँ में है भुज जलोकिया और हम लोग लंच कर रहे हैं एला। लौंग का अचार गाइस,
अभी शाम हो चुका है और हम लोग आए हैं यहाँ पे बाहर निकल के, तो हम अभी खा रहे हैं सब। इतना खाना खाया फिर भी हम लोग ये खा रहे हैं। रसमलाई गाइस, अच्छा होगा कि नहीं पता नहीं। गाइस हम लोग इतने ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा खाया, इतना ज़्यादा खाया, अभी विशाल में आ गया, टपक गया। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूम एंड बहुत लंबा हो गया वीडियो एंड अभी हम लोग ठीक कर रहे हैं सब सामान वगैरह, उसके बाद खाना खा के हम लोग सो जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, मेरा जो नया मुकबंग चैनल था वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अब आप लोग जाके देखिएगा, मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड येस प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।